ये कैसा बुढ़ा है, इसे शर्म नहीं आती, जवान बना घूमता है फिरता है रंग बिरंगे कपड़े पहनकर। तो मैंने उसको जवाब दिया मजाक में कि बुढ़ा होगा तेरा बाप, मैं हूं सीनियर सिटीजन, बुढ़ा नहीं। सीनियर सिटीजन और बुढ़ापे में क्या फर्क होता है, इसको बहुत सारे लोग नहीं समझते। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है और इंसान जब बूढ़ा होता है तो उसे क्या बनना चाहिए। इंसान की उम्र बढ़ने पर उसे बूढ़ा नहीं बल्कि सीनियर बनना चाहिए। बुढ़ापा यानी कि ओल्ड एज जब ये आता है तो लोग दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और सीनियरिटी यानी कि वरिष्ठता वो दूसरों को सहारा देने का काम करती है। ओल्ड एज को छुपाने का मन करता है और सीनियरिटी को उजागर करने का। बुढ़ापा कहीं ना कहीं इगोइस्टिक होता है, अहंकारी होता है, और सीनियरिटी अनुभव संपन्न यानी कि एक्सपीरियंस, विनम्र यानी कि हम्बल और संयमशील होती है। बुढ़ापा नई पीढ़ी के विचारों के साथ छेड़छाड़ करता है और सीनियरिटी नई पीढ़ी को बदलते समय के अनुसार जीने की छूट देती है। बुढ़ापा अक्सर हमारे समय में ये था, हमारे समय में वो था, इसकी रट लगाए रखता है, और सीनियरिटी बदलते समय के साथ अपना नाता जोड़ती है और उसे अपना लेती है। बुढ़ापा नई पीढ़ी पर अपनी राय थोपने की कोशिश करता है और सीनियरिटी यानी कि वरिष्ठता नई पीढ़ी की राय को समझने की कोशिश करती है। बुढ़ापा जीवन की शाम में अपना अंत ढूंढता है और सीनियरिटी जीवन की शाम में भी एक नए सवेरे का इंतजार करती है और जवानों की एनर्जी से प्रेरित होती है। सीनियरिटी और ओल्ड एज के इस बारीक अंतर को हमें बखूबी समझना चाहिए। उम्र सिर्फ एक नंबर होती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें हमेशा फूल की तरह खेले रहना चाहिए और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनना चाहिए। और हाँ, एक बात और, हमेशा कलरफुल कपड़े पहनिए, क्योंकि कलरफुल कपड़े जो हैं वो आपको हमेशा जवान दिखने में और जवान समझने में मदद करते हैं, और आप हमेशा एक यंग सीनियर सिटीजन बने रहेंगे। सो एंजॉय योर लाइफ, हैव फन एंड नेवर लुक बैक। थैंक यू।